प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किन सिद्धांतों पे काम करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है बायोलॉजी की, जो एक एडवांस फील्ड है वो। तो टू कोर टेक्निक इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल चीजों में हम नई नई जो तकनीक लेके आते हैं जिनसे आने वाले टाइम को थोड़ा सा और ज्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके, मतलब जो ह्यूमन के लिए। तो उसमें जो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये क्या होती है, टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए आरएनए, इनके जो काम करने के जो तरीके हैं, ये कैसे काम करते हैं, किस बेस पे हम इनको मॉडिफाई करके चेंज करके अलग अलग तकनीक विकसित कर सकते हैं, वो आ जाता है। टू इंट्रोड्यूस दीज इन टू होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इन जेनेटिक मटेरियल है जो इनको चेंज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम इनको डाल सकें, और एंड चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमने इनको डाला है चेंज करके, तो उसका जो फिनोटाइप है, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो भी हम उसके अंदर गुण लाना चाहते हैं डिजायरेबल गुण, तो वो किस तरीके से ला सकें, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ सकता है, आ जाता है। और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या जाता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एमबीएस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर ये प्रोसेस रिलेटेड रहता है, जिसके अंदर जितने भी हम इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो वो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब उनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, मतलब वो माइक्रोब से दूषित नहीं होने चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जितने भी हम इक्विपमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन के साथ यूज की जाती है इसमें। और टू अनेबल अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी, और इसमें हम अनवांटेड चीज़ों को ग्रो नहीं करने देते, केवल डिजायरेबल का मतलब है जिन माइक्रोब्स को हम ग्रोथ करवाना चाहते हैं, केवल उन्हीं को ही ग्रोथ करवाएं, किस पे, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा बड़े पैमाने पे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब जो भी हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन होगी, इंजाइम होगी, तो उनको हम बड़े पैमाने पे ही उगा सकें, बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनको वो ना ग्रोथ कर पाए। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यही रहता है कि प्रोसेस को करते टाइम पे जो प्रक्रिया है उसको जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें जीन वगैरह के अंदर चेंज किए जाते हैं, तो उसके अंदर वो मेन सिद्धांत किस पे काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्या अलग अलग जो मौके प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वेरिएशंस हैं, वेरिएशन आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, और विभिन्नताओं की वजह से जो आगे है इवोल्यूशन होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना होती है नेचर की। एंड फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक अलग अलग प्रोसेस से एक जो नई प्रोसेस है वो विकसित करना, किसकी, न्यू जो ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, जो एक नया जीव विकसित होता है, और उसके अंदर अलग अलग जीन का एक कम्बिनेशन वो लिए होता है, मतलब अलग अलग जीन वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। व्हाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट के पास होती है, उनमें कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिलते, वो जैसे थे ऐसे कैसे संरक्षित रहते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है उन जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसी के अंदर उसको बचाए रखना। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन लीड टू इंक्लूजन एंड मैनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन। जो हम वैसे नॉर्मली जो नेचर में रिकम्बिनेशन होता है, जो चेंजेस आते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, मतलब वो संख्या में बढ़ते हैं, और इंक्लूजन का मतलब है उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो भी आ जाते हैं, हालांकि डिजायर्ड जीन तो आते ही हैं। जैसे नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कैसे सिलेक्ट करती है, हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, उसमें मतलब अनडिजायरेबल जीन काफी सारे आते हैं, डिजायरेबल जीन भी उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं आ पाते। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम दिस लिमिटेशन। तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके अंदर जो लिमिटेशन होती है अनडिजायरेबल जीन आने की, उसको ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है वो इसको दूर करती है, एंड अलोज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट
ऑर्गेनिज्म। तो यही मेन प्रिंसिपल होता है, मेन सिद्धांत यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम अपने मनमर्जी का एक जीन है, डिजायरेबल जीन, उसको निकालते हैं और उसको फिर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको जिसमें हम वो चेंज लेके आना चाहते हैं, और हम इससे क्या है, अनडिजायरेबल जीन है उनको छोड़ सकते हैं, और इससे क्या रहेगा, केवल डिजायरेबल जीन है वही आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे। तो ये एक एडवांस तरीका होता है जिसमें डिजायरेबल जीन्स आने में, यदि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कई पीढ़ियों का टाइम लगता था, तो इसमें जो टाइम जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, टाइम एक टाइम फास्ट प्रोसेस हो जाती है ये।